नमस्ते, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं thelallantop.com। IPS हिमांशु रॉय नहीं रहे। पुलिस के मुताबिक 11 मई को उन्होंने मुंबई के अपने घर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। साहित्यिक व्याख्या पर आएंगे तो बात इन दो वाक्यों में पूरी हो जाती है, पर मसला ये है कि हिमांशु इंसान साहित्यिक नहीं थे, IPS ऑफिसर थे, जिनके बारे में तसल्ली बख्श तरह से जाने बिना ये दो वाक्य अधूरे लगते हैं। हिमांशु रॉय, वो ऑफिसर जिसने बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद महाराष्ट्र में हुए दंगों को संभाला, वो ऑफिसर जिसने कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया, वो ऑफिसर जिसने IPL स्पॉट फिक्सिंग केस की जांच की, वो ऑफिसर जिसके हाथ में JD मर्डर केस था, जिसकी वजह से मुंबई की पहली साइबर क्राइम सेल सेटअप हो पाई, और वो ऑफिसर जो कैमरे के सामने कहता था, मेरे रहते मुंबई को हाथ लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मुंबई की पैदाइश हिमांशु महाराष्ट्र काडर के 1988 बैच के IPS थे। उन्हें पहली पोस्टिंग 1991 में मालेगांव में मिली। ये वो समय था जब अयोध्या बाबरी मस्जिद विध्वंस की आग में जल रही थी और इसकी आंच देश के हर सूबे तक पहुंच रही थी। मालेगांव में भी दो समुदाय आपस में जूझ रहे थे। उन्हें खुला छोड़ दिया जाता तो पता नहीं वो क्या कर डालते, लेकिन हिमांशु ने बखूबी संभाला, महकमे से तारीफ मिली। 1995 तक हिमांशु नासिक रूरल के SP बन चुके थे और इस कुर्सी पर बैठने वाले वो सबसे यंग ऑफिसर थे। सफ़र आगे बढ़ा, अहमदनगर पहुंचा, जहां हिमांशु SP बने, फिर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में DCP और उसके बाद ट्रैफिक DCP बने। साल 2004 से 2007 के बीच हिमांशु नासिक पुलिस कमिश्नर रहे, जहाँ उन्होंने खैरलांजी हत्याकांड केस को टैकल किया। 2006 में ये कांड हुआ था जिसमें दो जातियों के संघर्ष में हुए हत्याकांड में दो महिलाओं को उनके घर से निकालकर नंगा घुमाया गया और फिर मार डाला गया। इस केस में 11 आरोपी थे और हिमांशु की वजह से पुलिस को जल्दी सक्सेस मिली। IPL स्पॉट फिक्सिंग केस में विंदु दारा सिंह को भी इन्हीं ने धरा था। साल 2009 में हिमांशु मुंबई में ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाए गए। 2010 से 2014 तक मुंबई में ज्वाइंट कमिश्नर रहे और इसी कार्यकाल में 2013 में IPL का स्पॉट फिक्सिंग केस सामने आया। इस केस की जांच हिमांशु ने ही की। स्पॉट फिक्सिंग के बुकी से संबंध होने के आरोप में विंदु दारा सिंह को हिमांशु ने अरेस्ट किया था, हालांकि बाद में विंदु को मुंबई कोर्ट से बेल मिल गई थी। लैला खान मर्डर केस की जांच भी हिमांशु ने इसी कार्यकाल में की थी। ये मामला इगतपुरी इलाके का था, जहां एक घर में लैला और उसके 5 रिश्तेदारों की हत्या कर दी गई थी। इतने सारे मामले सुनकर कहीं ये न समझ लीजिएगा कि इस आदमी को काम के सिवा कुछ आता नहीं था। काम भी किया, प्यार भी किया। मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से निकलने के बाद जब 1990 में IPS का एग्ज़ाम दे रहे थे हिमांशु, तो मझगांव एग्जामिनेशन हॉल में उनकी मुलाकात भावना से हुई। भावना वहां IAS का एग्ज़ाम देने आई थी। वो राइटर अमीश त्रिपाठी की बहन हैं। दोनों की मुलाकात हुई, प्यार हुआ। करीब 2 साल बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद हिमांशु का करियर और तेज़ी से आगे बढ़ा। वहीं भावना IAS छोड़कर HIV से जुड़ी सोशल एक्टिविटीज से जुड़ गईं। क्राइम ब्रांच के बाद हिमांशु का महाराष्ट्र की एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS में ट्रांसफ़र कर दिया गया। यहां रहते हुए उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनीस अंसारी को अरेस्ट किया, जिस पर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अमेरिकन स्कूल को उड़ाने की प्लानिंग का आरोप था। महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले ने हिमांशु को नाराज भी किया था। अप्रैल 2015 में महाराष्ट्र सरकार ने अचानक एक फैसला लिया, सूबे के 37 सीनियर IPS अफसरों का ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस शफलिंग ने पूरी पुलिस फोर्स को चौंका दिया। ऐसे में जो हिमांशु रॉय तब तक महाराष्ट्र ATS के चीफ हुआ करते थे, वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हाउसिंग बना दिए गए। इस शफलिंग में रेलवे ADG रहे संजय बर्वे और प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ADG रहे हेमंत नगरले भी इधर से उधर किए गए। ये सभी तबादले चौंकाने वाले थे। उसी दौरान एक और बात सामने आई कि दिसंबर 2014 में रॉय, बर्वे और नगरले ने गृह मंत्रालय को लेटर लिखकर सीनियर्स के बुरे बर्ताव की शिकायत की थी। माना गया कि इस लेटर की वजह से ही रॉय को नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्टिंग में शंट किया गया है। और जब हिमांशु ने कसाब की फांसी की खबर सुनाई, मुंबई आतंकी हमले में पकड़े गए इकलौते आतंकवादी कसाब को कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। उस फैसले को मीडिया के सामने बताने वाले हिमांशु ही थे। 6 फीट 2 इंच का आदमी, भरा गठा शरीर और बच्चा अमिताभ जैसी बेस वाली आवाज़। जब पत्रकार बार बार उनसे हिंदी में बोलने के लिए कह रहे थे, तो उनके एक्सप्रेशन देखने लायक थे।
और होते भी क्यों ना। कसाब से बयान उगलवा कर कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए उसे सजा दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका तो हिमांशु ने ही अदा की थी। हिमांशु देश के उन चुनिंदा ऑफिसर्स में से थे जिन्हें जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। ये सुरक्षा उन्हें मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस और इंडियन मुजाहिदीन चीफ यासीन भटकल और दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों को जब्त करने की वजह से मिली थी। हिमांशु ने ही दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर के ड्राइवर आरिफ के एनकाउंटर का केस हैंडल किया था। हिमांशु के बारे में इतना सब जान सुनकर ये हैरानी होती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि उस आदमी ने खुदकुशी कर ली। वो इंसान जो अपने काम में इतना सक्सेसफुल था, वो जिसने अपने प्यार से शादी की, वो जो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था, उसने किन हालात में ऐसा कदम उठाया होगा। अभी के लिए बस इतना ही कयास लगाया जा सकता है कि वो अपनी बीमारी से परेशान थे, ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे, स्टेरॉयड लेना पड़ रहा था, 28 अप्रैल 2016 से मेडिकल लीव पर भी थे। एक पुलिस अधिकारी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि साहब 6 महीने की छुट्टी पर गए हैं। ये तब बताया था जब हिमांशु की सर्विस को 7 साल बचे हुए थे। उड़ाने वालों ने ये बात भी उड़ा दी कि वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं, लेकिन बाद में राज्य सरकार और खुद हिमांशु ने इस बात का खंडन किया था। पुलिस के मुताबिक 11 मई 2018 को दोपहर 1:40 पर हिमांशु ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर मुंह में डालकर गोली चला दी, खुदकुशी कर ली। उन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। ये कहानी है हिमांशु रॉय की। ऐसे ही तमाम ऑफिसर्स की कहानियाँ जानने के लिए आप बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ। हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।